मध्य प्रदेश के सिवनी के आदेगांव थाने में पदस्थ उप निरीक्षक राजेश दुबे को सस्पेंड कराने की साजिश रचे जाने का मामला सामने आया है। दरअसल यहां पर दीपक सोनी नामक शख्स ने एक नाबालिग लड़के के साथ मारपीट कर उसे राजेश दुबे के खिलाफ बोलने को मजबूर किया और इसका वीडियो बनाकर वायरल कर पुलिस पर दबाव बनाने की भी कोशिश की। आइए जानते हैं कैसे। मामला तहसील लखनादोन के आधे गांव मणि क्षेत्र का है, जहां दीपक सोनी ने नाबालिग लड़के के साथ मारपीट कर उसे पुलिस के खिलाफ बोलने को मजबूर किया। जब इस घटना की जानकारी नाबालिग के माता पिता को लगी तो वह थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई कि नाबालिग को दीपक सोनी जबरन ले गया और उसका वीडियो बनाया। नाबालिग के परिजनों का आरोप है कि उन्होंने दीपक सोनी को इसके लिए मना भी किया था। वहीं इस मामले में उप निरीक्षक राजेश दुबे का कहना है कि जिस तरीके से ऑडियो वीडियो क्लिप मेरे खिलाफ वायरल हो रही है वह षड्यंत्रकारी है और मुझे सस्पेंड कराने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने बताया कि वरिष्ठ अधिकारी पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। सिवनी से संवाददाता उत्तम सेन की रिपोर्ट। जी, आपके थाने में जो आवेदन दिया गया है मणि सोनी जी के द्वारा, उस मामले में आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, वो नाबालिग बच्चा है अभिषेक, उसने अपने माँ बाप के माँ पिता के साथ में आके आवेदन पत्र थाने में दिया है मुंशी जी के पास में, अभी मेरे संज्ञान में अभी आया है। गांव से है? मड़ी से। अच्छा, क्या समस्या आपकी? हमारी समस्या ये है कि दीपक के पास में हमारा जो दीपक कौन सोनी। अच्छा, क्या रखा है? जी, और पायल है, कटोरा है, उसके पास में रखा है और उसके बदले में पैसा नहीं देता हूँ तो मेरे बच्चे को वो जबरदस्ती स्कूल से काम करवाने के लिए ले लेता है। अच्छा, काम करवाने ले जाते हैं और उसकी पढ़ाई वढ़ाई पूरी ढप कर दिया उसने। 3 साल हो गए पढ़ने जा रहा है। आपका बच्चा है ये?